एक धतूरा और धतूरे का फूल। कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधि देव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी? बोलो, धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर, या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल।